उसका अहमद ने इमाम अहमद ने इस हदीस को जिक्र किया है। इसका कुछ हिस्सा सुनन नसाई और सुनन अबू दाऊद में भी मौजूद है कि यमन से दो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए और मुसलमान हुए। इन दो लोगों की तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले की। इन दो आदमियों में से एक आदमी जो बहुत ज्यादा नशीद एक्टिव और बढ़ चढ़कर नेकियों में हिस्सा लेने वाला था, दूसरा पहले के मुकाबले में कुछ कमतर था। इनकी अगली जिंदगी में जो आदमी नशीद था बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करता था वो जंग में शहीद हो गया। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला को अपना ख्वाब बयान करते हैं कि उन्होंने देखा कि इन दो आदमियों में से वो आदमी जो शहीद हुआ है और वो आदमी जो शहीद नहीं हुआ बहुत ज्यादा नशीद नहीं था, सिर्फ फराइज और नफिल की पाबंदी करता था, वो शहीद के मुकाबले में जन्नत में पहले दाखिल हो रहा है। तो ये लंबा वाकया है, लंबी तफसील है, बताना ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाकया ख्वाब बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया कि वो आदमी जो एक साल तक जिंदा रहा उसके बाद दूसरा आदमी जो था वो एक साल तक उसके बाद भी जिंदा रहा। तो जो दूसरा आदमी था जो एक साल तक जिंदा रहा क्या उसने अपनी जिंदगी में रमजान को नहीं पाया? रमजान में उसने अल्लाह के फर्ज किए हुए रोजे नहीं रखे? रमजान में किए जाने वाली इबादतें क्या उस बंदे ने नहीं किए? तो ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे और आपको हमारी अपनी जिंदगी में एक और मरतबा रमजान नसीब फरमाया। इससे पहले दो सालों तक कोविड के लिए मसाजिद में तरावी का इंतजाम दुरूस का इंतजाम नहीं किया जाता था। इस मरतबा अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि रमजान की पूरी बरकतें सब के साथ मिलकर अदा कर सकें। अल्लाह से तौफीक यही इस बात की है, दुआ इस बात की है कि अल्लाह हमें तौफीक बख्शे कि इस माह रमजान की हर साहत और घड़ी से हम मुकम्मल इस्तफादा करें। ये दर्स मुख्तसर सा होगा, 5 से 7 या मैक्सिमम 10 मिनट का हमारा रोजाना का दर्स होगा। कल हमने जुमा के खुतबे में यह हदीस सुनी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब रमजान शुरू होता है तो एक आवाज लगाने वाला यह आवाज लगाता है, या बाकियल खैर या बिल या बाकियल शर अक्सर, नेकी में आगे बढ़ने वाले आगे बढ़, बुराई की तरफ आगे बढ़ने वाले रुक जा थम जा। यह हदीस का हमने सुनी थी। इस हवाले से एक बात मैं आज के इस मजलिस में भी जिक्र करना चाहता हूँ कि ये रमजान नेकियों का मौसम बहार है। हर एक का, हर एक ताजिर का, हर मुख्तलिफ किस्म की तजारतों का या मुख्तलिफ किस्म की फलों सब्जियों अनाज का हर अंदाज से अलग अलग लोगों की एतबार से हर एक का अपना एक सीजन होता है। तो ये जो महीना है ये नेकियों को अंजाम देने का, नेकियों में आगे बढ़ने का, अपने नामे आमाल में नेकियां ज्यादा से ज्यादा दर्ज करने का मौसम है। तो इस मौसम को गनीमत समझकर अगर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ सीजनों में तजारत से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी तजारत में सीजन आने से पहले उस सीजन की तैयारी करते हैं, सीजन में हमादम उसमें मसरूफ रहते हैं, सीजन के गुजरने तक अपने आप को करार नहीं देते, मुकम्मल उस सीजन से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे और आपको भी इस रमजान की बाबरकत साथों से बाबरकत घड़ियों से फायदा उठाने के लिए अंतर कोशिश करनी चाहिए। आज के दर्स में एक हदीस जो हम सुनेंगे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि रमजान के जैसे ही रमजान दाखिल होगा, रमजान जैसे ही शुरू होता है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुल जन्नत व खुलत अबवाबुन नार, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो आइंदा कल से हम लोग इसी हदीस की बुनियाद पर
कि नेकी करने वालों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं माह रमजान में, बुराई करने वालों के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि बुराई करने वाले बुराइयों से रुक जाएं, नेकी की राह अपनाएं और जन्नत के दरवाजे जो खुल चुके हैं उसमें दाखिल होने की कोशिश करें। तो इसी बुनियाद पर एक दिन हम जन्नत के बयान, जन्नत की जो मनाज़िर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने जो कुरान में बयान फरमाया, जन्नत के मुख्तलिफ पहलुओं को, जन्नत का माना क्या है, जन्नत में अल्लाह ने क्या क्या अजीम नेमतें रखी हैं, जन्नत किसके लिए बनाई गई है, जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी, जन्नत के शब रोज़ कैसे होंगे, ये सारी तफसील हम एक दिन जानेंगे। अगले दिन हम फिर जानेंगे कि जहन्नम के हौलनाक मनाज़िर क्या हैं, जहन्नम के मुस्तहिक़ीन कौन हैं, जहन्नम में जाने वाले लोग कौन हैं। एक दिन जन्नत का बयान, एक दिन जहन्नम का बयान, इंशाअल्लाह हम इसी सिलसिले से पूरा दर्स गुजारने की कोशिश करेंगे। आज के दर्स में ये हदीस आप सुन कर लाएँ, ये हदीस आज के दर्स का पैगाम है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जो आदमी एक दिन अल्लाह की राह में रोज़ा रखे, بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا, अल्लाह ताला उस इंसान को 70 साल जहन्नम से दूर कर देता है। अल्लाह की राह में रखा जाने वाला एक रोजा इंसान को 70 साल की मसाफत, 70 साल के बराबर जितनी दूरी हो सकती है, इतनी दूरी अल्लाह ताला इंसान के एक रोजा रखने का बदला देता है। जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के राह में एक रोजा रखता है। अब इस महीने की सबसे अजीम इबादत रमजान के रोजे हैं। कल हम एक हदीस जानेंगे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करवाया, अल्लाह ताला ये कहता है कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका बदला दूंगा। मैं और आप ये जानते हैं कि हमारी सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, हमारी सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस हदीस में अल्लाह ने जो बयान किया कि बंदा रोजा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका बदला दूंगा, जबकि हमारी सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही हमें बदला देता है, तो अल्लाह ने यहाँ पर रोजे को क्यों अपने लिए खास किया? इससे कल हम अपने दर्स का आगाज करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको रमजान की बाबरकत सआतों से फायदा उठाने की तौफीक दे। वाफिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।